गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ऐसा बोलूं कि 12 स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ये तीनों चैप्टर चार्ज पे डिपेंडेंट। चार्ज यानी ऐसा बोल सकते दोस्तों कि मैं और आप सब लोग कनेक्टेड है इंटरनेट के माध्यम से, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंपल्सरी है। मोबाइल, लैपटॉप या आप मेरे को कहीं भी देख रहे हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये रहा आपके सामने हमारे चैप्टर का नाम चार्ज एंड फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर रियल लाइफ में चार्ज, यस मेरे बच्चों, कोई सिंपल सा बल्ब ही होता है, बल्ब को भी चार्ज होने के कारण जो चाहिए, जिसके कारण ये प्रज्वलित होता है, उसको हम बोलेंगे तो चार्ज। चार्ज को धीरे धीरे समझना है तो आपको देखना होगा बेटा पूरा वर्ल्ड जो रात के अंधेरे में भी जगमगता है, इतनी सारी लाइटिंग्स होती है, लेजर शो होते हैं, इन सब के लिए बेसिक चीज होती है। अब चार्ज को देख के ऐसा लगे सर चार्ज तो दिख नहीं रहा। दोस्तों ये फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मेरे पास एक गुब्बारा है यानी एक रबर की सरफेस है, उसको मैं घिस रहा हूँ। जैसे ही आप घिसोगे इसका मतलब इसके आसपास चार्ज प्रोड्यूस होगा। दोस्तों ये चार्ज क्या जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा यानी आपको लगे सर वो कैसे, देखो ये मैंने गुब्बारा रखा, पानी आपको देखना होगा, नॉर्मली पानी ऐसे आता है पर जैसे मैंने इसको रबर से घिसा पानी का फ्लो देखो ऐसे टेढ़ा हो गया। देख सकते हो बच्चों डायग्राम ध्यान से देखो, पानी का फ्लो देख सकते हो, ये थोड़ा मुड़ गया इस तरह। मतलब दोस्तों इन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन, तो ये चार्ज के भी फ्यूचर में कुछ टाइप्स बनेंगे। कौन कौन से टाइप के चार्ज होते हैं वो सब भी देखना पड़ेगा, चार्ज कैसे काम करेगा वो भी देखना पड़ेगा। दोस्तों जो थंडर होती है यानी जो बारिश वाला मौसम होता है, ये जो क्लाउड्स होते हैं वो इनडायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का एक कॉम्बिनेशन। सर इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो क्या होता है? बेसिकली बच्चों मैं अभी बोल रहा हूँ चार्ज के मैं तीन टाइप पढ़ूंगा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जो न्यूट्रल है उसको फ्यूचर में हम न्यूट्रॉन बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता हो कि प्रोटॉन किसने बोला था? गोल्डस्मिथ। इलेक्ट्रॉन फिर थॉमसन। न्यूट्रॉन के बारे में सबसे पहले फ्रेडरिक ने लिखा, इसका चार्ज पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसका चार्ज नेगेटिव कंसीडर करते हैं। थंडर के अंदर दोस्तों जब बिजली गिरती है तो पेड़ पे लगती है, आपको पता है ये दिखाई दे रहा है, वो इनडायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन की बात आ गई। दोस्तों आपको भी जब करंट लगता है तो आप देख सकते हो कि आपके बाल भी ऐसे हो जाए। आपने कई फिल्म के अंदर कोई चैनल के अंदर भी देखा होगा या रियल लाइफ में भी किसी को झटका लगा होगा तो आपको पता होगा कि ये ऐसे इफेक्ट देता है। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन वर्ड इसका मीनिंग होता है एम्बर, ये बच्चों ग्रीक वर्ड, कौन सा वर्ड है मेरे दोस्तों? अगेन टू टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव जिसको हम फ्यूचर में प्रोटॉन बोलने वाले है, सेकेंड वन इज नेगेटिव तो फ्यूचर में इलेक्ट्रॉन बोलने वाले। ये सारे वर्ड सबसे पहले दोस्तों याद रखना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोली। दोस्तों चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए दो मेथड, एक है कांटेक्ट मेथड, दूसरा नॉन कांटेक्ट मेथड। दोस्तों नॉन कांटेक्ट मेथड के अंदर आप उसको इंस्पिरेशन दे रहे हो, उसको इंस्पायर कर रहे हो। जैसे आप घर पे बैठे हुए रिमोट से एसी स्टार्ट कर सकते हो, टीवी स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए उसका टच होना जरूरी नहीं है। जब भी कांटेक्ट के अंदर दो टाइप्स है, सिंपल कांटेक्ट एंड दूसरा होता है फ्रैक्शन। अगर मेरे पास एक पतला सा रोड है और ये मेरे पास क्लोथ है, जब आप ऐसे क्लोथ पे तो रब करते हो उसके अंदर भी बच्चों चार्ज प्रोड्यूस होता है। मैं ऐसा बोलूं कि अगर इसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस, इसका मतलब दोस्तों कौन कहाँ जाएगा? तो याद रखो बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
एंड मास ऑफ प्रोटोन, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का मास कम है। रिपीट बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी मूव हो जाएगा। याद करो केमिस्ट्री, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन के आसपास घूमते रहते हैं। वो क्यों घूमते हैं? क्योंकि उसका मास कम, जिसका मास कम होगा ना बच्चों वो इजीली मूव हो जाएगा। अब ये पैर बने, देखो ये रोड, सपोज ये रोड बच्चों नेगेटिव बन रहा है, मैं इसको सपोज प्लास्टिक का रोड बोल दूं और इसको मैं सरफेस को फर बोल दूं। देखो ये सरफेस पॉजिटिव आयन बने, जबकि ये हमारा, देखो बच्चों कोई भी है, ग्लास रोड एंड सिल्क रोड, आपको पता होगा सिल्क का कपड़ा होता है या फिर वो स्वेटर वो सब होता है, उसमें आप घिसते हो तो शाइनिंग होती है, आपको इसे बिजली जैसा स्पार्किंग दिखाई देता है। उसका भी रीजन ये है कि एक पॉजिटिव आयन बन गया, नेगेटिव आयन बन गया। ग्लास रोड की बात करते हैं तो ग्लास रोड मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव बन जाएगा, जबकि सिल्क क्लोथ एम्बर नेगेटिव बन जाएगा। दोस्तों उसके साथ साथ वूल एंड रबर की बात करोगे तो वूल आपका पॉजिटिव बन जाएगा, रबर आपका नेगेटिव बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों सारी चीज मैंने आपको इसलिए बायफरकेट की, इसमें से अगर आपको कोई एमसीक्यू पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे बने। नेक्स्ट दोस्तों, ये जिसके बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं वो मेन वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। एक बड़ा सा फिजिक्स का शास्त्र है जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जब चार्ज स्टेबल होते हैं पीक्स होते हैं, जब वो अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे उसको बोलेंगे स्टेटिक चार्ज। एंड जो चार्ज की ऐसी प्रॉपर्टी जो आगे आगे बढ़ती रहती है, स्टेबल नहीं रहती है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बच्चों जब आप 12th पढ़ रहे हो, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर जो स्टेटिक चार्ज का फील्ड का पोटेंशियल को डिफाइन करेगा और ये बच्चों करंट को डिफाइन, इस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट आए जिसके बारे में धीरे धीरे देखने जा रहे हैं। दोस्तों आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन याद है, आपको ग्रेविटेशनल वाला फॉर्मूला F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होने के लिए फंडामेंटल चार्ज यानी मास है ना, मास के कारण ये प्रोड्यूस हुआ। बिल्कुल वैसे F प्रोपोर्शनल टू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए कंपलसरी क्या चाहिए मेरे दोस्तों, चार्ज। चार्ज उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव। अच्छा याद रखना, पॉजिटिविटी में से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर होगी, जबकि जो नेगेटिव होगा नेगेटिव के अंदर जाएगा। छोटी छोटी चीज दोस्तों याद, वो स्पीड पे डिपेंडेड नहीं है, उसके कारण तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होने के कारण वो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दो टाइप के फोर्स लगा सकती है, जबकि यहाँ पे देखो वो मास यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफाइन, वो कंपलसरी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये रिपल्सिव नहीं होगा, वो अट्रैक्टिव होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका मास और इसका यानी मास का यूनिट दोस्तों केजी है, याद होगा अगर मैं MLT लिखूं तो M1 बाकी, जबकि यहाँ पे MLTQ चार्ज का क्यों है बाकी सब सही है। बच्चों ये डिफरेंस याद रखना जो आपको एग्जाम में पूछे, साथ साथ छोटी छोटी चीज जो आपको एग्जाम में परेशान कर सकती है तो बच्चों हम फंडामेंटल चार्ज बोलेंगे, ई मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको मैं फंडामेंटल चार्ज बोलूँ। हाँ मैं आगे जाके ई प्लस माइनस बोलने वाला हूँ, ई प्लस पॉजिट्रॉन ई माइनस इलेक्ट्रॉन, मेरे प्यारे बच्चों दोनों का चार्ज तो इक्वल ही है, तो मिलीकर और जित हमसे सबसे पहले डिफाइन कर दिया का यूनिट बच्चों कूलम के हिसाब से। देखो हम लोग न्यूमेरिकल के टाइम ये वैल्यू याद रखेंगे, रियल लाइफ में 1.602 ऐसा ही याद रखें।
एक डेफिनेशन है बसो, चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? मैंने बोला आपको फॉर्मूला याद होगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी, वन कूलम इज इक्वल टू वन एम्पियर टू वन सेकेंड, हो गया मेरा काम। बनाओ बच्चों, इजीली बन जाएगा, बहुत ही सिंपल बन जाएगा। अब फ्लोइंग थ्रू वन सेकेंड इफ द करंट इज वन, तो चार्ज वैल्यू इज वन कूलम, पॉजिटिव होगा तो इतना। फिर कह रहे बच्चों आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स होते एक कूलम के अंदर, ये माइनस इसलिए कि इलेक्ट्रॉन की बात है, प्लस वन लिखोगे तो इतने प्रोटोन होते। उसके भी टाइप्स आया, मिली, माइक्रो, नैनो। बच्चों मैं आपको एक पिको कूलम भी पूछ सकता हूँ, यहाँ पे लिखता वन पिको के बाद फेमटो कूलम भी बच्चों पूछ सकते। याद रखना जैसे कि मैं सिंपल बोलू, एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6.25 इंटू 10 रेज 18, तो मैं ऐसा बोलू वन पीको या वन नैनो, तो वन नैनो की वैल्यू मेरे बच्चों पता है आपको कितने में कितने होगी, तो 6.25 इंटू 10 रेज 9। कोई भी दोस्तों ये पूछे आपको आना चाहिए, बहुत ही सिंपल था। ये पूरा ब्लैंक रखा मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। मेरे पास एक ग्लास होगा और ये दूसरा ग्लास, दोनों ग्लास उड़े, दोनों पे सेम चार्ज रहेगा। अगर दोनों पे सेम चार्ज रहेगा तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर ले जाएंगे। ये प्लास्टिक का रोड, सपोज मैं ग्लास रोड को पॉजिटिव बोल, प्लास्टिक रोड को नेगेटिव हो, देख सकते हो बच्चों दोनों नेगेटिव आया तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, अगेन दूर जाएगा। जबकि प्लास्टिक का रोड नेगेटिव, ग्लास रोड पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी डिफरेंट मटेरियल होगा और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्शन होगा। इसके साथ बच्चों ये भी समझाना कि अगर नेगेटिव नेगेटिव बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो, यानी अगर मेरे प्यारे बच्चों को सेम प्रॉपर्टी है तो कंपल्सरी रिपल्सन हो रहा है। देखो दूर जा रहे हैं मेरे बच्चों, जबकि ये देखो अट्रैक्शन हुआ, यानी जब अपोजिट होगा तो कंपल्सरी अट्रैक्शन होगा। दोस्तों प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं, देखो ये कॉपर का है, जैसे ही उसके पास जाएगा ये दूर जाएगा, यस और नो? अब मैं जिसे उसको दूर ले जा रहा हूं और एक मैंने रोल कर दिया, देखो ये आयन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो, रिपीट। पूरा ध्यान से देखो बच्चों तो आपको समझ में आएगा, जैसे ही नजदीक ले गए सेम प्रॉपर्टी, दूर चला गया। अगर मैं कोई रोड उसके सामने ला रहा हूँ, देखो आ गया रोड, ट्रांसफर हो जाएगा। यानी आपको बेटा समझना पड़ेगा, ये आपका स्टेटिक है और ये देख सकते हो मूविंग है, यानी फ्यूचर में करंट करंट, यानी बच्चों याद रखना वो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जबकि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बच्चों मैं आपको एक दो वैल्यू भी याद रखता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁻³ केजी, प्लीज इसको याद रखो। और मास ऑफ प्रोटॉन बोलो या मास ऑफ न्यूट्रॉन, बच्चों ये अप्रोक्सीमेटली 1.67 × 10⁻²⁷। अगर मैं ऐसा बोलू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो ले लू 1.67 × 10⁻²⁹, 9.1 × 10⁻³⁹, 1.2, इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इसलिए तो वो न्यूक्लियस के अंदर है। जिसका मास कम वो ट्रांसफर होगा, वो घूमेगा। ओके, आज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये चार्ज के लिए कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, चार्ज के कारण कौन सा फील्ड जनरेट होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देख लो बच्चों, ये पूरा वीडियो देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए दोस्तों लेके आऊंगा, प्लस आपको इनका डिफरेंस भी देखना। ओके, टेक केयर बेटा, बाय एवरीवन, टेक